मंगल मूर्ति का दिवस माँ के साथ आरंभ होता है। इधर नाती के नामकरण उत्सव की साज सजावट से जब देवी मैना अप्रसन्न होती हैं, तो समस्त जीव जंतु इस कार्य में लग जाते हैं और फिर कैलाश में होता है देवी देवताओं का आगमन। किंतु इधर सिंदूरा भी आ पहुँचता है कैलाश। अब आगे ऋषि भृगु संस्कार आरंभ करें। देवी मैना, अपने नाती को बुलाइए जिससे हम विधि प्रारंभ कर सकें। तो अब वो दुष्ट मेरे समक्ष तो आएगा। ये इतना समय क्यों लग रहा है इस विधि में? तो पड़े इस बालक पर, ये दिखाई तो दे मुझे। ये है वो बालक, ये तो इतना छोटा और दुर्बल है। मैं व्यर्थ चिंता कर रहा था। सभी देवता है यहाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम मामा जी विष्णुदेव, मामी जी देवी लक्ष्मी, कल्याण हो पुत्र, फूफा जी ब्रह्मदेव, बुआ जी देवी सरस्वती, आपको भी प्रणाम। आप सभी अतिथिगण यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए, ये मेरा परम सौभाग्य है। देवराज इंद्र भी है, आपको भी मेरा प्रणाम। जैसे पुष्प की सुंदरता कोई हर नहीं सकता, वैसे ही कांटों को कोई सुंदरता कैसे दे सकता है? व्यर्थी हो रहा है ये आयोजन। बालक और उनके माता पिता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम छठी का संस्कार होगा, बालक की बुआ उसे काजल लगाएगी। Na 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 na
अब बालक का नामकरण होगा। अरे अरे, उससे पूर्व मुझे नेक लेना है बालक के पिता से। क्या अब हम नामकरण की विधि प्रारंभ कर सकते हैं? मेरे पुत्र को नाम प्राप्त होगा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा, ओम भूरग्नये स्वाहा। बालक की कुंडली प्रस्तुत की जाए। कुंडली? एक बार किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊंगा। क्या नाम दिया गया? मेरे पुत्र के नाम का प्रथम अक्षर है ग, 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 अक्षर है ग, ग निकला है, ग से नाम प्रारंभ होगा। और अब महादेव हमारे पुत्र को इस अक्षर से प्रारंभ होने वाला नाम देंगे। कोसिकत मोसिकस्यासि को नामासि यस्य ते नामा मन्महीयं त्वा सोमेनाति त्रिपां भूर्भुवस्वः सुप्रजा प्रजाभिः स्यातं सुवीरो वीरः सुपोषपोषः
ओम कोसि कद्मोस्येषोऽस्य मृतोऽस्य आहस्पत्यं मा संप्रविश गजानन। गजानन, तुम गजानन हो पुत्र। गजानन, बालक त्वमायुष्मान् वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान् भूया। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर बालक के नाम की घोषणा कर दो, जिससे सभी को महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का नाम ज्ञात हो जाए। आप सबको मेरा प्रणाम। देवगण, अब विधियां संपन्न हो चुकी हैं। हम देवताओं को यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। अब यहाँ रहकर कोई लाभ नहीं है। बालक का तो मैं अभी यही अंत कर सकता हूं। बस एक बार ये मुझे अकेला तो मिल जाए। इस प्रसन्नता की घड़ी में आप सभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए, धन्यवाद स्वरूप। मैं स्वयं आप सभी का मुख लड्डू से मीठा करवाऊंगी। अर्थात और विलंब होगा हमारे प्रस्थान में। बहुत सुंदर नाम मिला है बालक को। हाँ, गजानन को सुनने में भी कितना अच्छा है। मुख तो अवश्य मीठा होना चाहिए। इतने आनंद की बात जो है, आज है इतने आनंद का अवसर। भूख के कारण मेरा उदर अब ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मुझे भोजन चाहिए। माँ माँ किधर गई? इतने सारे स्वादिष्ट फल, इन्हें ही खा लेता हूं। अब ये बालक एकाकी कहां जा रहा है? अब मैं इन्हें खाऊंगा। अरे, ये किसकी परछाई है? देवी पार्वती, हर्षोल्लास के इस वातावरण में आप हमें मत भूल जाइएगा। गजानन को नाम मिलने की प्रसन्नता में हमारा मुख भी मीठा करवाइए। यहाँ से शीघ्रता से जाना चाहता हूँ। ये देवी सची को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये कौन है? मुखमंडल सौम्य है, किंतु नेत्र ऐसे हैं जैसे ज्वाला धधक रही हो उनमें। जो भी हैं, विचित्र हैं,
विचित्र गजमुख बालक है ये, इसीलिए दुर्बल ही होगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। उचित कहती थी बुढ़िया सिंह का, व्यर्थ ही चिंतित था मैं इसे लेकर। पल भर में मिटा दूंगा मैं इसे। एक बार किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊंगा। कौन है आप और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन में अनेकों विचार आकार ले रहे हो मुझे देखकर? तुम्हारी मृत्यु हो मैं, ये तुम्हें अभी ज्ञात हो ही जाएगा, किंतु उसके पूर्व तुम्हें यहाँ से हटाने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। कौन हो सकते हैं ये? मिल गया मुझे उपाय इस बालक के ध्यान को भटकाने का। ओह, तो आपकी भी दृष्टि इन्हीं फलों पर है। देखिए ना कितने फल हैं यहाँ, किंतु चुनाव करना कितना कठिन हो रहा है। मेरे मन में बस यही विचार आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि मैं लाल फल चुनूं या हरा। अब क्या करना है उसका निर्णय तो लेना ही होगा ना? पर मैं निर्णय ले चुका हूँ मूर्ख बालक, किंतु तुम्हें कुछ भी चुनने की छूट नहीं दूंगा मैं। मेरे आदेश का पालन करोगे और हरा फल उठाओगे। हरा फल। बनोगे तुम मेरे जीवन में? नहीं बालक, इसका तो एक ही परिणाम है, मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु। चलो उठाओ हरा फल और चलो मेरे साथ, उठाओ शीघ्र। देवी पार्वती, किसका स्वर था ये? किसने पुकारा मुझे? देवी वजनी, शनि देव, शनिदेव ने पुनः यहाँ आने का साहस कैसे किया? ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। संकोच का कोई स्थान नहीं है अब, तुम्हें वही फल उठाना होगा जिसका चयन मैं कर चुका हूं। उठाओ हरा फल, उठाओ बालक। प्रतीत होता है अब ये बालक पूर्णतया मेरे वश में है, अब इसे मैं मृत्यु के मुख तक ले जा सकता हूं। किंतु
आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप कौन हैं। ये तो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात इसका मन मेरे नियंत्रण में नहीं। अच्छा बताइए ना, आप तो अवश्य मेरे नामकरण के उत्सव में भाग लेने आए होंगे, है ना? आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद। देखिए ना, मैंने तो अपना फल चुन लिया, किंतु उसका क्या लाभ? किंतु जब तक मुझे माँ अनुमति नहीं देती, तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? इसे दुर्बल मानकर इसकी शक्ति को कम आंकने की भूल तो नहीं कर बैठा मैं। इस पर तो मेरी सम्मोहक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। माता, माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी कठिनाई से मैं यहाँ आपके समक्ष आकर क्षमा मांगने का साहस जुटा पाया हूँ। माते मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो मुझे उसी रात्रि दंडित कर दिया था माते, जिसके कारण आज तक मेरा पाप पीड़ा से ग्रस्त रहता है। माता हैं आप, और माता का हृदय तो अत्यंत विशाल होता है, अपने संतान की अनेक भूलों को भी क्षमा कर देता है। तो आज अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के दिवस क्या आप मुझे क्षमादान नहीं देंगी माते? चाहती हूँ कि आप श्री हरि नारायण और महादेव मेरे पुत्र का प्रारब्ध परिवर्तित कर दें, उसे देवत्व प्रदान करें। क्षमा कीजिए महादेव, पर क्या आपका पुत्र होने मात्र से कोई देवता बन सकता है? गजानन की योग्यता उनके जन्म से नहीं, कर्म से होनी चाहिए।